डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई नंबर नहीं लिया और आपके नाम पे चल रहा है, तो आप यहीं से उसका रिपोर्ट कर सकते हैं और वो भी नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा जो आप पहले चलाए हुए हैं और अब नहीं चला रहे हैं। तो अगर आप उस नंबर को भी जो बंद करना चाहते हैं तो उसका रिपोर्ट भी आप यहां से कर सकते हैं। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कि आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं। अगर वो नंबर का आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसी पोर्टल से आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं साइबर कैफे या शॉप वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप जो है घर बैठे उसका रिपोर्ट कर सकते हैं बस इसी पोर्टल से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप उस पोर्टल पे ओपन हो जाएंगे और वहां से अगर आपका नंबर नहीं चल रहा है या आपका नंबर चल रहा है तो उसका भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर पहले चलाए हुए हैं और यहां पे शो कर रहा है तो उसका भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या जो नंबर आप चला रहे हैं वो भी आपको शो होगा। जो नंबर आप नहीं चला रहे हैं अगर आपके नाम पर चल रहा है तो उसका भी आप यहीं से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब देखने के लिए इस वीडियो को भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके नाम पे कितने सिम है ये चेक करने के लिए आप कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है TAFCOP। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है TAFCOP, यहाँ पे डीजी टेलीकॉम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे शुरू वाला ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टैपकॉप कस्टमर पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे टैपकॉप का जो वो पिछले वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल देंगे तो उसका जो है बता देगा कि कौन सा आदमी का ये सिम है और उस आदमी के नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं। जैसे मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, नंबर डालने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP डाल के यहाँ वैलिड वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो यहाँ पे सिम आ चुका है कि आपके जो है नाम से यहाँ पे एक नंबर चल रहा है। अगर आपके नाम से यहाँ पे और भी नंबर रहता तो यहाँ पे वो सारे का सारा शो कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे आपका नंबर आ चुका है जो आप यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है दिस इज नॉट माई नंबर। अगर आप ये जो नंबर जो है आपका, अगर आपका ये नंबर नहीं है तो तब तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपका ये नंबर है और आप इसको यूज नहीं करते हैं, ये आपका नंबर बंद है, तब तो आप ये वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद अदर स्टेटमेंट, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है। अगर नहीं आता है तो अपना नाम यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे। यहाँ पर जैसे नाम यहाँ पर टाइपिंग कर दिए हैं और टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से जो है आपके सामने में वो सारा नंबर आ जाएगा जो आपके नाम से चलता है। तो अगर आपके नाम से जो भी नंबर है, अगर आप अपना नंबर जो नहीं चलता है वो है आपके सामने में आ जाता है, अगर आप उस नंबर को यूज नहीं करते हैं तब यहाँ पे जो है नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे नाम डाल के आप जो है यहाँ पे रिपोर्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में, ओके कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितना नंबर चल रहा है। मैं आपको एक बार और बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर यह नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा है कि दिस इज नॉट माई नंबर। तो यहाँ जो अगर आपका ये नंबर नहीं है और आपके नाम से चल रहा है तो यहाँ पे ये वाला क्लिक करके यहाँ पे नाम डाल के यहाँ रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे।
तो ये नंबर है आपका जो है बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये नंबर जो है और ये नंबर आप यूज नहीं करते हैं तो यहाँ नोट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ये नंबर जो आप चला रहे हैं तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट वाले पे क्लिक करके आप इसको रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको ये नंबर अगर चल ही रहा है तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये नंबर जो है नहीं है और यह चल रहा है तब तो आप ये नंबर चूज करेंगे। अगर आपका ये नंबर जो पहले कभी चला रहे थे अभी बंद कर चुके हैं तब तो यहाँ पर नोट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके यहाँ नाम डाल के यहाँ पे रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका रिपोर्ट हो जाएगा। और आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो है आप जिसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर यहाँ पे डाल के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं। तो जितने नंबर चलेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे नाम से एक नंबर चल रहा है तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहा है। आप जैसे ही मेरे नाम से ये जो नंबर चल रहा है तो मैं ये वाला पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा नाम से कोई और नंबर रहता तो मैं इसको आप यहाँ पर डाल के अब ये वाला जो रिक्वेस्ट या ये वाला डाल के मैं आपको यहाँ पे नाम डाल के यहाँ पे रिपोर्ट वाले पे क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे नाम डालेंगे यहाँ रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नंबर दे देगा, वो नंबर डाल के यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में एक ही नंबर है, एक से ज़्यादा नंबर नहीं है। अगर आपके सिचुएशन में एक से ज़्यादा नंबर आएगा तो आपको बस यही चूज करना है, ठीक है। अगर आपका नंबर ये नहीं है तो ये वाला चूज करेंगे, आपका है नंबर, आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नाम डालेंगे यहाँ पे रिपोर्ट वाले पे क्लिक करके आप जो है जिसे नंबर दे देगा इसका जो स्टेटस भी यहाँ पे नंबर डाल के उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं या कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।